हम बात करेंगे बेटा इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ फैमिली लेग्यूमिनोसी। सबसे पहले हम बात करेंगे एज अ फूड, राइट। ये एज अ फूड भी यूज़ होती है ऑब्वियसली बेटा। सारी पल्सेस लाइक ग्राम, अरहर, मूंग, सोयाबीन, किडनी बीन्स, काओ पी है जिसे लोबिया बोलते हैं, मसूर की दाल, लेंटिल्स बोलते हैं, ये सारे हमें इसी फैमिली से तो मिलते हैं। सो ऑल पल्सेस फ्रॉम फैमिली लेग्यूमिनोसी, सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सेकेंड जो है दैट इज़ फॉडर। फॉडर मतलब चारा, कैटल के लिए फॉडर। कैटल के लिए फॉडर हमें इस फैमिली से मिलता है बरसीम, ग्वार, सेसबैनिया, अल्फा अल्फा, अल्फा अल्फा, ये सारे बेटा यूज़ होते हैं एज फॉडर यूज़ होते हैं, क्लियर। थर्ड है ऑयल्स बेटा, हमें पता है ग्राउंड नट ऑयल। बेटा ग्राउंड नट भी इसी फैमिली में आती है, ग्राउंड नट ऑयल हो गया और सोयाबीन ऑयल हो गया, वो भी इसी सीड्स, इन फैमिली के सीड से ही निकाला जाता है। अब हम बात करेंगे डाई। बेटा एक डाई होती है इंडिगो डाई। ये डाई वैसे तो कलरलेस होती है लेकिन एयर के एक्सपोजर में ये ब्लू हो जाती है। तो इंडिगो डाई हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ प्लांट नेम्ड एज इंडिगो फेरा, इंडिगो फेरा टिंक्टोरिया, राइट। इंडिगो फेरा टिंक्टोरिया प्लांट से ये ऑब्टेन होती है और ये भी इसी फैमिली का ही मेम्बर है। अनदर इज मेडिसिन्स। मेडिसिन्स बेटा आपने मुलेठी सुनी होगी, सुनी है मुलेठी। बेसिकली जब कफ हो जाती है एज ए एक्सपेक्टोरेंट का काम करती है, बलगम वगैरह को निकालने के लिए ये यूज़ करी जाती है मुलेठी। मुलेठी का जो इंग्लिश नेम होता है वो होता है लीकोराइस, अदरवाइज इसका साइंटिफिक नेम होता है ग्लाइसीराइजा ग्लैब्रा, साइंटिफिक नेम होता है मुलेठी का, ओके। तो ये भी इसी फैमिली का ही मेम्बर है। इसकी रूट्स जो हैं वो यूज़ होती हैं एज एक्सपेक्टोरेंट, मतलब बलगम को निकालने के लिए, राइट। और अनदर जो है इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस वो है सॉइल फर्टिलिटी। बेटा ये जो प्लांट्स होते हैं ना लेग्यूमिनस प्लांट्स, ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं बिकॉज इनकी रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है। वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया सॉइल में भी नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको ऐड कर देता है, मतलब ये सॉइल की फर्टिलिटी को भी इम्प्रूव करता है ये फैमिली। अनदर बेटा है दैट इज़ द गम्स। गम्स हमें मिलती हैं इस फैमिली से। ग्वार गम जो है वो टेक्सटाइल्स में भी यूज़ होती है और यूज़ होती है इन पेपर, इन प्लास्टिक्स, इनमें यूज़ होती है। तो इट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फैमिली लेग्यूमिनोसी। एंड लास्ट इज़ अ ऑर्नामेंटल्स, सजावट के लिए। बेटा हम इनको एज अ ऑर्नामेंटल्स भी ग्रो करते हैं, लाइक हम ग्रो करते हैं ल्यूपिन को, स्वीट पी को, सो ये यूज़ होते हैं एज ऑर्नामेंट्स, क्लियर। तो स्टूडेंट्स हमारी जो पूरी डिस्क्रिप्शन थी फैमिली की वो कंप्लीट हो गई है। तो इसी के साथ ही आपका चैप्टर जो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स होता है कंप्लीट, ओके।